वेलकम बैक टू इंडस टेक्नोलॉजीज विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो हम इस वीडियो से अब जेंगो फ्रेमवर्क की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में मैं आज इस वीडियो में जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा फ्रेमवर्क क्या होता है और हमें जेंगो ही क्यों यूज़ करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो हम आज से जेंगो फ्रेमवर्क पे काम करेंगे और लास्ट में हम जेंगो फ्रेमवर्क पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जैसे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे इसमें हम लास्ट पे। तो हम जेंगो फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता हूँ मैं फ्रेमवर्क पे और जेंगो जो है कंप्लीट कोर्स के बारे में पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ जेंगो एंड व्हाट इज़ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है। सबसे पहले मैं फ्रेमवर्क के बारे में बताऊँगा। देखिए जेंगो जो है वो फ्रेमवर्क ही है, वो पाइथन का फ्रेमवर्क है। किस लिए यूज़ करते हैं हम जेंगो को? टू क्रिएट वेबसाइट्स, ठीक है। ये वेबसाइट वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो उससे पहले जेंगो को देखने से पहले हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क एक्चुअल में क्या होता है? वो कोड लिखा होता है ऑलरेडी, कुछ प्रोसेसेस बनाई होती है, कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं ऑलरेडी, जिनका फिर आप बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे फंक्शन हम बनाते हैं कभी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम उन फंक्शंस को फिर कॉल करते हैं। इसी तरह हम कुछ टास्क जो है वो बना के रखते हैं, फ्रेमवर्क सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हम बना के रखते हैं जिनको हमें फिर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको हम अपनी प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बनते हैं। अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे वो फ्रेमवर्क के बगैर भी हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे पास बड़े होते हैं और वो फ्रेमवर्क के बिना कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क की वजह से क्या होता है? वो रोबस्ट बन जाता है। जैसे हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, अगर आप पीएचपी लैंग्वेज के साथ कुछ फ्रेमवर्क्स आपने यूज़ किया होगा तो आपने उसमें, हम लारावेल पीएचपी में यूज़ करते हैं और कोड इग्नाइटर जेंड पीएचपी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह हम डॉट नेट भी करते हैं फ्रेमवर्क यूज़, एक वीबी डॉट नेट करते हैं, या सी हैश के साथ हम डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जैसे नोड जेएस या एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं। तो पाइथन में हम जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। अब बाकी फ्रेमवर्क से क्यों जेंगो फ्रेमवर्क हमें पढ़ना चाहिए, वाई जेंगो फ्रेमवर्क? अब मैं पहली स्लाइड पे फिर से आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जेंगो फ्रेमवर्क है पाइथन का और ये वेब एप्लीकेशंस के लिए काम आता है, उनको डेवलप करने के लिए काम आता है। देन व्हाई वी यूज़ जेंगो? हम मतलब जेंगो से ही क्यों काम करेंगे? हम लारावेल या नोड जेएस या डॉट नेट फ्रेमवर्क पे क्यों नहीं जाएंगे? सो जेंगो के कुछ एडवांटेजेस है जो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि हमें जेंगो में ही क्यों करना चाहिए ये काम। सो वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ जेंगो एंड विच कंपनीज आर यूजिंग जेंगो इन वेब एप्लीकेशंस। जैसे आज हम बात करेंगे यूट्यूब में जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ होता है। इंस्टाग्राम में तो बहुत सारा जेंगो का यूज़ हुआ है। इसी तरह नेटफ्लिक्स या हम बात करेंगे मोजिला फायरफॉक्स की या हम स्पॉटिफाई की बात करेंगे, उनमें भी जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ हुआ है। तो जो मैंने अभी बोला फ्रेमवर्क जो होते हैं वो टास्क होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, तो उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रोबस्ट वे में तैयार हो जाए और कम्प्लीटली तैयार हो। हम वेब एप्लीकेशंस जेंगो के बगैर, अब मैं यहाँ पे जेंगो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पाइथन की बात कर रहे हैं, जेंगो पढ़ रहे हैं, तो आप कोई और फ्रेमवर्क जैसे लारावेल है उसके लिए पेश भी, लेकिन हम जेंगो की बात करेंगे। अगर मैं इस टाइम फ्रेमवर्क की बात करता हूँ तो मैं जेंगो की ही बात करूँगा। तो हम जेंगो इसलिए यूज़ करते हैं या हम फ्रेमवर्क इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें जो कुछ हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर बनाने होंगे तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रोसेसेस बनी बनाई मिलती है। हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके उनका उसमें एडिटिंग करते हैं थोड़ी सी, तो और हमें बहुत सारा कोड ऑलरेडी खुद से जनरेट होता है विद हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क्स। सो वी कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशंस विदाउट फ्रेमवर्क। हम फ्रेमवर्क के बगैर भी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मगर बात यह है कि हम अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे वो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हम इसीलिए हम बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं? फ्रेमवर्क का ही यूज़ करते हैं। अगर पाइथन लैंग्वेज में बनाते हैं तो हम जेंगो का ही यूज़ करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि फ्रेमवर्क जो है ये स्टेप बाय स्टेप रूल्स या प्रोसेसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इजीली। ये हमारे प्रोजेक्ट को क्या करता है? रोबस्ट बनाता है। अबाउट जेंगो, जेंगो क्या है? ये हाई लेवल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है पाइथन का, ठीक है। हाई लेवल, हम पाइथन में फ्लास्क भी यूज़ करते हैं, लेकिन जेंगो जो है ये हाई लेवल है वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है ये हाई लेवल है अगर हम जेंगो की बात करेंगे। अगर हम फ्लास्क की बात करेंगे वो उतना हाई लेवल नहीं है जितना जेंगो है। तो वी कैन क्रिएट लार्जर वेब एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क। हम लार्ज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेन एडवांटेजेस जो है जेंगो की वो क्या है?
इसमें बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ जनरेट होता है। जब हम फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट में, तो बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ आता है हमारे पास। हमें बस क्या करना है, यूज़ करना है उसको, और कुछ छोटी छोटी चेंजेस करके हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट फास्टर हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेब एप्लीकेशंस, लाइक वी कैन सेट आवर यूआरएल्स। अब अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशंस हमें मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर देता है, जिसके बेसिस पे जैसे मैं हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करते हैं, ये जेंगो फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे मैंने एक लॉगिन ऐप नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइलें वहीं से आती है, जैसे urls.py आती है। इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे पाथ सेट करते हैं कहाँ पे जाना है। इसी तरह हमारे पास है सेटिंग्स, settings.py। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, कुछ छोटी छोटी एडिटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कोड हमारा रन होता है। इसी तरह हमने मेरा यहाँ पे views.py है। तो हमें ये सारे कोड बनाने की MVC फ्रेमवर्क में क्या करते थे, हम ये कोड खुद से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ये कोड हमारे पास ऑलरेडी जनरेटेड आता है। हम तो यही यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही प्रेजेंटेशन में लिखा है, लाइक वी कैन सेट अवर URLs इन ए सेपरेट फाइल। तो URLs हम सेपरेट फाइल में रख लेते हैं, जैसे urls.py मैंने अभी खोल के दिखाया है इधर, जैसे ये है urls.py। तो यहाँ पे हम URLs को सेपरेट फाइल में रखते हैं। कोड है जैसे हमारा views.py है, तो views.py भी मैंने अभी आपको दिखाया, ये views.py है, तो ये भी हमने एक सेपरेट फाइल में रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कुछ फंक्शंस हमने क्रिएट की है, जिसकी वजह से हम इन फंक्शंस की वजह से हम रेंडर करते हैं, कोई कोड वहाँ पे व्यू कराते हैं फिर, ठीक है। जैसे हमारा लॉगिन विंडो है, तो यहाँ पे हम index.html नाम का एक पेज बनाया है मैंने, तो ये एक्चुअली लॉगिन विंडो है, वहाँ पे लॉगिन विंडो का कोड लिखा है, वो मैं यहाँ पे व्यू करा रहा हूँ, ठीक है। अब उतना यहाँ पे नहीं हम डीप जा सकते, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे url.py है, views.py है, settings.py है, हम अपने कोड को अलग अलग फाइल्स में लिख के हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एरर्स के कम चांसेस होंगे, और हमारा हमारे रीडेबिलिटी जो है कोड की, वो ईजी हो जाएगी। तो आधा कोड तो इसमें वहीं से जनरेट हो जाएगा, आपको इंटेलिजेंस भी इसमें अच्छा मिलेगा। सेपरेट फाइल्स में कोड लिख के हमारी एरर आने के चांसेस कम है। इन नटशल वी कैन डू मोर वर्क विद लेस कोडिंग। तो हमें क्या करना है, अगर हम जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, तो हमें कोडिंग ज़्यादा नहीं करनी है, हमें बहुत कम कोड लिखना है, जिसकी वजह से कम कोड लिखने से हमारा बहुत सारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो पाइथन ऑलरेडी ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और यहाँ पे हमें तो पाइथन में हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो है उसके लिए हमें कम कोड लिखना पड़ता है। तो जेंगो जब पाइथन का ही फ्रेमवर्क है, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, जो हमें टास्क करनी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। पाइथन या जेंगो दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ओपन सोर्स है, जेंगो फ्रेमवर्क भी हमारा ओपन सोर्स है। हमें बस क्या करना है, PIP इंस्टॉल जेंगो हमें कमांड देनी है, जिसकी वजह से हमारा जेंगो जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्ट करके रखना है, फिर हमें ये कमांड देनी है, PIP इंस्टॉल जेंगो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा। जेंगो में कुछ एडवांस फीचर्स है, जैसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम ये देता है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कुछ फीचर्स जो है, जैसे साइन अप या लॉगिन है, हमें खाली वो यूज़ करने हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है वो सिस्टम सारा। कोई कुछ कंपनीज़ के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि कुछ कंपनीज़ है जो जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, मोजिला है, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है। यूट्यूब अपनी बफरिंग के लिए पाइथन या जेंगो का यूज़ करता है, इंस्टाग्राम भी अपनी बफरिंग के लिए वो यूज़ करता है, या जो भी उसमें इंस्टाग्राम में 90% ऑफ द टास्क जो है वो इसी से मैनेज होता है जेंगो फ्रेमवर्क की वजह से। तो टेक्निकल एडवांटेज जो है जेंगो की, वो कुछ बाकी जैसे मैंने पहले भी बोला, लेरावेल हम यूज़ कर सकते थे, .NET हम यूज़ कर सकते थे, तो उनसे क्या फ़ायदा है, जेंगो हम क्यों यूज़ करेंगे। एक्चुअली जेंगो जो है ये हाई एंड सिक्योरिटी अपने प्रोजेक्ट्स में, अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, ये हाई एंड सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है जेंगो फ्रेमवर्क जो है। तो जेंगो एप्लीकेशंस फास्टर भी होती है, जो हम इनसे ऐप डेवलप करेंगे, जेंगो फ्रेमवर्क की वजह से जो हम ऐप डेवलप करेंगे वो फास्टर भी होती है, कंपेयर करेंगे बाकी फ्रेमवर्क्स में जो प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं हमने, उससे ये बड़ा फास्ट होता है, रोबस्ट होता है। हमें यहाँ पे और मतलब जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं इसमें जेंगो में, उसमें भी हमें कम कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स बिल्ट इन होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल जेंगो फ्रेमवर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।